बच्चों, क्या तुमने कभी रेलगाड़ी से यात्रा की है? जरूर की होगी। बड़ी अच्छी लगती है ना रेलगाड़ी। चलो, आज मैं तुम्हें जो कहानी सुनाने जा रही हूं उसका नाम है रुक गई ट्रेन हो गई जाम। एक था इंजन, नाम था रॉकेट। उसका काम था रोज सुबह नंदनवन से सुंदरवन ट्रेन ले जाना और शाम को सुंदरवन से वापस नंदनवन ट्रेन ले जाना। ट्रेन में भिन्न भिन्न जगह से भिन्न भिन्न प्रकार के लोग सफर किया करते थे। रास्ते में पहाड़ों और नदियों के मनमोहक दृश्य देखने के लिए सभी आतुर रहते। ये सुंदर नज़ारे देखकर जब बच्चे तालियां बजाते तो रॉकेट को बड़ी तृप्ति मिलती। इंजन के कई पुर्जे थे, जैसे चक्के, मोटर, बोगी, ट्रांसफार्मर, पेंटो इत्यादि, और इन सब में बड़ा प्यार था। सब एक दूसरे के दुख दर्द समझते थे, एक दूसरे की खुशियों में भी हरदम शरीक होते। इन सब के आपसी मेलजोल की वजह से इंजन सुचारू रूप से चलता था और यात्री खुश रहते। सारे इंजनों का रखरखाव नंदनवन के एक इंजन शेड में हुआ करता था। उसके हर पुर्जे में ग्रीस, तेल इत्यादि लगाया जाता और उनमें कोई खराबी तो नहीं यह देखा जाता। खराबी आने पर उसे ठीक भी किया जाता। पर रॉकेट में कभी कोई खास खराबी नहीं आई थी, इससे बाकी सारे इंजन बड़े जलते थे। एक बार जब रॉकेट इंजन शेड गया हुआ था तो बगल में इंजन पवन को मक्कारी सूझी। जब रखरखाव के लिए रॉकेट के पुर्जे निकाल दिए गए तो उसने सबको भड़काना शुरू कर दिया। वो हर पुर्जे को ये समझाने लगा कि उसी की वजह से रॉकेट अच्छे से चलता है और उसे तो राजा का दर्जा दिया जाना चाहिए। अब सब यही सोचने लगे कि इंजन उसी की वजह से चलता है और वो सर्वश्रेष्ठ है। चक्के ने कहा, पटरी पे चलकर मैं ही तुम सबका भार झेलता हूं, ऊंचे नीचे रस्तों पर मैं ही पहल करता हूं। आज से तुम सब मुझे राजा मान लो, वरना मैं तो नहीं चलूंगा। बोगी बोल पड़ी, इनके भी क्या कहने, चक्के और बाकी हिस्सों के बीच मैं ही पिसती हूँ, सारे हिस्सों का भार तो मैं ही सहती हूँ। चक्का जो कूदता रहता है उससे तो मैं ही सबको बचाती हूँ, अतः तुम सबसे मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। मोटर बोलने लगी, अरे तुम सब ये भूल ही गए कि चक्के को घुमाने की शक्ति कहाँ से आती है। ये शक्ति तो मैं प्रदान करती हूँ, मैं, अतः सबसे महान तो मैं ही हूँ। यदि तुम लोग मुझे सर्वश्रेष्ठ नहीं मानोगे तो मैं आज से चक्के घुमाना बंद कर दूंगी। अब भला ट्रांसफॉर्मर क्यों पीछे रहता, वो भी बोल पड़ा, यहां सबसे विशाल तो मैं ही हूँ और राजा भी मैं ही हूँ। अरे मोटर रानी, यदि मैं ना होता तो तुम्हें घूमने की ऊर्जा कहाँ से मिलती, सर्वश्रेष्ठ तो मैं ही हूँ। छोटा सा पेंटो भी चुप नहीं रहा, सब अपनी अपनी डींगे हाँक रहे थे तो वो भला क्यों पीछे रहता। वो बोला, जो सबसे ऊपर रहता है वैसे ही वही राजा होता है, और आप लोग तो ये भूल ही गए कि ऊपर बिजली की लाइन से बिजली कौन खींचता है, अगर बिजली ना हो तो इंजन चल ही नहीं सकता। जब बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो बात बढ़ती ही गई और थोड़ी देर में मारपीट भी शुरू हो गई। इतनी लड़ाई हुई कि सारे पुर्जे थक कर गिर गए। रॉकेट इंजन के तो चलने का सवाल ही नहीं उठता था। उधर पवन को रॉकेट की ये हालत देखकर बड़ा मजा आ रहा था, वो तो यही चाहता था ना। जब गाड़ी में इंजन लगने का टाइम आया तो गेंदाराम अंकल रॉकेट के पास पहुंचे। वह उसे बहुत प्यार करते थे,
उन्होंने उसे प्यार से पुचकारा। पर आज तो रॉकेट चलने की हालत में था ही नहीं। जब सारे प्रयत्न करने के बावजूद भी गेंडाराम सफल नहीं हुआ तो वो शेड के अफसर अप्पू हाथी के पास पहुंचा। अप्पू हाथी एक समझदार अफसर था। जैसे ही उसने रॉकेट के पुर्जों को देखा, उसे सारा नजारा समझ में आ गया। उसने एक एक पुर्जे को प्यार से सहलाया और उन्हें समझाया कि किस तरह हर पुर्जे का अलग अलग महत्व है, पर किस तरह किसी एक के भी बिना रॉकेट अधूरा है। सारे पुर्जों को ये बात समझ में आ गई कि सब मिलजुल कर ही रॉकेट को चला सकते हैं। फिर देर किस बात की थी, रॉकेट फिर से रेल की पटरियों पर सभी यात्रियों को नंदनवन से सुंदरवन और सुंदरवन से नंदनवन की सैर कराने के लिए दौड़ पड़ा। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? अच्छी? तो फिर तालियां बजाओ रॉकेट के लिए।